सोमवार को थाना बलदेव क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे पर एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार चार सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें उपचार के लिए मथुरा के महर्षि दयानंद सरस्वती जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस बिहार के दरभंगा से दिल्ली जा रही थी। जैसे ही बस मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र स्थित यमुना एक्सप्रेसवे के माइलेज टोन 124 के समीप पहुंची, वैसे ही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के दौरान बस में 30 सवारियां मौजूद बताई जा रही हैं। हालांकि चोटें तो सभी को आई हैं, लेकिन जिनमें से चार की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें उपचार के लिए मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ दो घायलों की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें दिल्ली के हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। सभी घायल बिहार के दरभंगा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। में आगरा से दिल्ली तरफ एसी बस जा रही थी, 125-24 के बीच में माइलस्टोन जो है इसके बीच में एक घटना हुई है, जो हमारा थाना क्षेत्र बलदेव पड़ता है। इसमें 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इनको जिला अस्पताल और उसको भास्कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत मैंने स्वयं देखी है, बहुत लोगों की ज़्यादा गंभीर है, प्रॉपर इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तो खतरे से बाहर लग रहे हैं, कहीं उल्टी की भी इसमें संभावना हो सकती है। बस को वहां से हटवा दिया गया है। छोटी मोटी चोटें भी करीब 10-15 यात्रियों को और आई थी, जिनका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया है और वो दूसरी बसों में बैठ कर चले गए हैं। अभी सूचना ये भी मिली है कि भास्कर अस्पताल से एक व्यक्ति दिल्ली के लिए रेफर हुआ है, उसकी हालत सीरियस है और हम लोग इसके राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। हमारे सदस्यों भी लगे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। हादसे की वजह क्या रही है? हादसे की वजह सवेरे जो ये बताया जा रहा है कि अचानक तेज़ रफ्तार और उसको ड्राइवर को झपकी आना बता रहे हैं, लेकिन अभी इस पर हम लोग गंभीरता से जानकारी इसकी कर रहे हैं कि किस कारण से ये हादसा हुआ है, लेकिन प्रथम दृष्टया अभी तक यही संज्ञान में आ जाएगा।